alright. गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। क्या हाल है सब लोगों के? भाई साहब, चार दिन घर में बैठने के बाद ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, लेकिन काम धंधा तो करना जरूरी है, इसलिए जाना पड़ेगा। घर में तो बैठ नहीं सकते, बट ये बात खुशी की ये है कि बस अब चार ही दिन ऑफिस जाना है। छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेते हैं हम जो जॉब करते हैं हम लोग। तो चार दिन ऑफिस जाने के बाद फिर वीकेंड आ जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक तो विशाली ने बताया था हमने एक वेडिंग में जाना है जो कि दिल्ली से बाहर है, वो तो आपको दिखता रहेगा ब्लॉग्स में। फिलहाल के लिए तो निकल गया हूं मैं और थोड़ा सा लेट हो गया हूं, बट ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन माफी है, ऐसा कोई कुछ बोलेगा नहीं, वैसे भी हमारे यहाँ पे कोई कुछ बोलता ही नहीं है, लेट आओ जल्दी चले जाओ, कोई चक्कर ही नहीं है। तो मैं निकल गया हूँ, आप लोग व्लॉग देखते रहिए, आगे कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक गाइस, इट वाज अ वेरी नाइट, इट वाज अ वेरी ग्रेट नाइट। काफी सोई हूँ मैं, हील पहनी थी तेरे वहाँ, तो पैर में बहुत दर्द था, छोटे छोटे बाल्स में छोटे छोटे कर्ल्स देख लो। चाय थोड़ी मीठी हो गई है, गाइस मैं सीधा कर रही हूँ, सो गाइस बोलिए इतनी गंदी हाथ पड़ी हुई है ना। लंच टाइम पे उठी हूँ मैं और मैं खा रही हूँ भरता चाय। ये मैं इसलिए ले आई हूँ क्योंकि सिवाना को मैं सरला कभी खिलाऊंगी उठते ही। मैंगो और रागी फ्लेवर का सरला मैंने मंगाया है इसके लिए, और बनाना अब ख़त्म है, वैसे ही उठते ही वो एक बनाना खाती है, तो पहले मैं खा लेती हूँ, कुछ देख लेती हूँ। सो गाइस नहाना धोना हो गया, बाल थोड़े से गीले हैं इसलिए चंपू धो रहा हूँ मैं। सिवाना और मेरा ना सो डिफरेंट, पता नहीं रो रही थी, बाल ही नहीं धोना चाह रही थी, और अभी बस उसको कंघी वगैरह करके सेटल किया, दूध पिलाया, सेरेलैक भी नहीं खाया इसने, वेस्ट किया, आउट ऑफ ब्रेथ क्योंकि इसको उठा के बेड तक लाना भी ना। चलिए कपड़े थोड़े से बचे इनको समेट लेते हैं, फिर देखते हैं सिवाना शायद नैप लेगी। सो गाइज ये ना एक कुकीज़ है, मतलब कैसे बताऊँ, इनका टेक्सचर ना बहुत क्रिस्पी है और पैटी की तरह फ्लेकी है, लेकिन ये मीठे हैं और ये बड़े कम मीठे हैं और बहुत ही अच्छे, आप समझ लो लिटिल हार्ट्स की तरह टेस्ट कर रहे हैं, बट फ्लेकी हैं, और ये सिवानों को इतने अच्छे लगे। मैंने आज इसको पहली बार टेस्ट करा है, बट इसके लिए तोड़ना इतना आसान नहीं है, गला रही है मुँह में डाल डाल के, कैसे खा रही है मीठे है ना। तो गाइज मैं आया था डॉक्टर के पास ऑस्टिन के, एक तो डीवॉर्मिंग लेने के लिए और एक और ये स्किन के लिए स्प्रे होता है, थोड़ा से ना स्किन पे रैशेज हो गए हैं ड्राइनेस की वजह से ऑस्टिन को, तो ये दो चीज़ें लेने आया था। और अंधेरा हो चुका है और पता है आज धूप भी नहीं निकली, बारिश हुई और पूरे इतनी ठंड ठंड वाला मौसम हो गया ना, बढ़िया बढ़िया तो नहीं है, मतलब अच्छी खासी ठंड लग रही है। बस सिवाना ने कुछ नहीं खाया और दो बार पॉटी भी कर लिया, और इसको भूख ही नहीं है शायद, तो मैं इसको सेवियां दे रही हूँ, माइट भी इसका कुछ अच्छा खाने का मन हो, देखो देख तो रही है बट गम है बेटा, अभी हड्डियाँ आपस में जुड़ी हुई है तो इसको प्रॉब्लम है, उठा नहीं सकता, ये क्या बात है, उठा लो अपने आप, मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दूंगी, गाइज मैं जस्ट सो के उठा हूँ, एक घंटा सोया हूँ मैं, मेरे को नींद आ गई थी यार सच में बहुत ज़्यादा, रोज़ आती ऑफिस से आके नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ी बहुत नैप ले लेता हूँ आकर, आज तो अच्छा खासा सो लिया मैं। और खाने में बना है क्या, मैं दिखाता हूँ, खाने में है हमारे पीली दाल विद घी एंड दो रोटियाँ, तो ये है अपना डिनर। सो सिवाना खा रही है वो आपका पजामा खींचते हुए दाल रोटी, एक्चुअली मैंने उसमें दाल रोटी मिक्स कर रखी है, एक एक बाइट हनी उसको खिला रहा है और ये बस इधर से उधर घूम ही जा रही है, जो खाना भी हनी ने आपको दिखाया वही खा रही है सिवाना। ये जो कार्टून है ना ये बहुत पहले देखती थी सिवाना, फिर बीच में एकदम से, मतलब बहुत सारे न्यू कार्टून दिखाते रहते हैं हम इसको, तो ये बहुत दिनों बाद आज लगाया हमने, एंड शी इज सो हैप्पी, इतना खुश है ना इसको देख के, बार बार क्लैप्स क्लैपिंग कर रही है, खुश हो रही है, हंस रही है बड़ी जोर जोर से। ये देखो बाल कहाँ जा रहे हैं भाई, कहाँ जा रहे हैं बाल,
सो गाइस अब आ गए हैं छत पे और ये तो खेल रहा है, ये पता नहीं ताला चाबी बस जो चाबी है वो इसमें लॉक में लगाने में लगी हुई है, जो इसके बस की है नहीं, लॉक ऊपर है, कोई एक्टिविटी नहीं। शैतानी अपना खाना पचा रहे हैं और शैतानियां बस। तो गाइस जैसे कि आपको पता कल हम शादी में गए थे और हम कितना थक गए थे सिवाना के साथ, तो हमारी अब ये है हमारी प्लानिंग की, अब हमारे साथ जाएंगी हमारी मेड आने वाली सारी शादियों में जो भी होगी, क्योंकि सिवाना को रोकना, अब बच्चे को क्यों रोकना, उसको तो कितनी सारी चीज़ें दिखती हैं वहाँ पे, और हमारे लिए ये हो जाता है कि हमारी बहन बच जाती है, तो हम आंटी के साथ जाएंगे तो हेल्प हो जाएगी। इसके वही पुराने गेम्स हैं, ये पलट के बाहर भी फेंक सकती है मुझे, वैसे बहुत हल्का है गाइस, बहुत हल्का है और टायर के साथ तो क्या ही वेट फील हो रहा है। तो शादी में कैमरामैन का स्टैंड लेके जा रही थी आगे। हाँ, मेरी रिंग लाइट चमक के, मैं खुश हो रही थी कि चलो और मम्मा की रिंग लाइट तोड़ने मिल गई। कमेंट्री मत कर। हॉस्टी मेरे को बड़ी देर से घूर रहा था, तो मैंने सोचा एक बार इसको घुमा लेता हूँ, इसको कहीं सुसु या पॉटी ना आ रहा हो, मतलब सुसु तो आ ही रहा होगा बट पॉटी ना आ रही हो कहीं, इसलिए मैं इसको नीचे ले आया। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, ज़्यादा लेट भी नहीं हुआ, 12:45 ही हो रहा हुए हैं अभी। तो गाइज आपको हॉस्टी बैठी हुई पोजिशन में दिख रहा होगा, इसका मतलब ये था कि इसको पॉटी ही आ रही थी, तो इसने पॉटी कर ली है। इतना तंग करता ना हनी को, पता नहीं विवेक के साथ खेल के कूद करके आ जाता है और पॉटी विवेक ने भी ध्यान नहीं दिया और दो तीन दिन से रात को तंग कर रहा है पॉटी के लिए। कल स्पेशली विवेक को बोलेंगे कि भाई अगर इसने नहीं करे तो हमें बता। सो गाइस मैं बेड पे आ चुकी हूँ, 12 बजे कमर पर मेरी इतनी ज़्यादा बैंड बज रही है कि मुझसे व्लॉगिंग भी नहीं हुई है, बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, आई एम नॉट फीलिंग दैट ग्रेट। चलिए कल मिलेंगे नए व्लॉग में, सी यू टुमारो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।